मोदी पर सपा का पोस्टर वार, क्या रुक जाएगी बीजेपी की जीत की रफ्तार? नीतीश कुमार ही होंगे पीएम पद के उम्मीदवार? क्या है राजनीति का नया अवतार? नमस्कार, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। बिहार में सियासी परिवर्तन के बाद अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आए। इस 3 दिवसीय दौरे में उन्होंने अरविंद केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी तक विपक्ष के सभी मुख्य नेताओं से मुलाकात की। विभिन्न नेताओं से मेल मिलाप के बाद नीतीश कुमार ने केवल इतना कहा है कि उनका मकसद विपक्ष को एकजुट करना है। आरजेडी जहां नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता रही है, तो वहीं पीएम कैंडिडेट की रेस में नीतीश खुद को अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए सभी विपक्षी दल लगभग एक सुर में राग जप रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार कौन होगा, यह तस्वीर साफ होने में अभी शायद समय लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने एक बार फिर मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर में अखिलेश यादव और नीतीश कुमार की फोटो के साथ लिखा है कि यूपी प्लस बिहार बराबर गई मोदी सरकार। यह पोस्टर देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। लोग इस पर तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। पोस्टर से सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 2024 में मोदी की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ नीतीश और अखिलेश की मोर्चेबंदी हो गई है? नीतीश ने जिस तरह बिहार में एनडीए से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाई, उससे उनकी छवि ऐसे नेता की बन गई है जो बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। क्या विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार ही होंगे पीएम पद के उम्मीदवार? बीजेपी को हराने विपक्ष को एक बैनर के नीचे कौन सा नेता ला सकता है? हमें अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए जनता आवाज। नमस्कार।